हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन 8। क्या है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो हमें क्या दिए हैं, दो बिंदु पी और क्यू जिनके निर्देशांक हैं 2.3, 2.-3 एंड 10.y। ठीक है, हमें क्या करनी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है और वो दूरी 10 मात्रक हमारी के बराबर होगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पी क्यू बराबर क्या होगा, रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। इसको मैं x1 y1 लूंगा, इसको x2 y2। यहां से मेरा x2 क्या है, tan -x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस, फिर y1 क्या है, -3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो इसको क्या आएगा, tan माइनस टू क्या होता है, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि -3 क्या हो गया, -3 क्या हो गया, प्लस हो गया, तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे प्रश्न में क्या दिया है, मुझे प्रश्न के अनुसार, ठीक है, मुझे प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, मुझे प्रश्न अनुसार दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार रूट 8² प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर मुझे दिया है 10। बराबर मुझे क्या दिया है, 10। ये दो बिंदु के बीच की दूरी मुझे निकाल के इसने क्या दी है, 10 दी हुई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां से दोनों ओर में क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। अगर मैं दोनों ओर वर्ग करूं दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, अगर मैं दोनों ओर वर्ग करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं दोनों ओर वर्ग करता हूं यहां से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा, क्या आएगा, 8² धन वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का, दोनों तरफ वर्ग किया, 10 का वर्ग क्या होता है 100। यहां वर्ग करने पर रूट हट गया और यहां वर्ग करने पर 100 आ गया। अब मेरा 8 का वर्ग होता है 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100। इस y प्लस 3 का मान निकालने, 64 को मैंने बैक कर दिया, पीछे भेज दिया, पक्षांतर के यहां पे 64 को मैंने क्या कर दिया, पीछे भेज दिया। y प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा, अगर मैं यहां से माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 36। ठीक है, 36 मेरे पास यहाँ पे बच रहा है। तो अगर y प्लस 3 का मान निकालूं मैं, यहां से y प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं रूट का स्क्वायर का पक्षांतर करता हूं, अगर मैं स्क्वायर का पक्षांतर करता हूं तो क्या आ जाता है, यहां क्या हो जाता है, पक्षांतर करने पर स्क्वायर का रूट हो जाता है। ठीक है, तो y प्लस 3 बराबर मेरा क्या हो गया, यहाँ पे y प्लस 3 रूट 36, 6 किसका वर्ग, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। ठीक है, 6 का वर्ग 36 होता है ना, तो y प्लस 3 बराबर 36, 6। ठीक है, y प्लस 3 बराबर 6, y बराबर, अब यहां से y का मान क्या निकल जाएगा, y बराबर 6, ये यहां जाके माइनस, फिर पक्षांतर करने पर, क्योंकि हमें y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या आ गया मेरा, y बराबर आ गया मेरा 3, एक y का मान 3 आ गया। ठीक है, मुझे y के यहां पे निर्देशांक चाहिए, मुझे वो बिंदु चाहिए, ठीक है, y का मान, वह मान ज्ञात करने। ठीक है, y का एक बार तो मैं प्लस में मान लूंगा, एक बार y के मेरे दो मान आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, y के मुझे दो मान है यहाँ पे, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस में क्या आएगा, प्लस पे लेने पर मेरा क्या आ गया, 3। अगर मैं माइनस में लूं, y प्लस 3 बराबर -6। ठीक है, मुझे एक बार माइनस में मान लेने, y प्लस 3 बराबर -6, y बराबर क्या आ जाएगा, -6, ये पीछे जाएगा -3, ये पीछे जाएगा -3। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, -6 -3
-9, तो y के निर्देशांक क्या आ गए, यहाँ पे y क्या आ गया 3, -9, ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है, इतना हमें निकालना है, दो बिंदु के बीच की दूरी में 10 मात्रक दी हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी के हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये था मेरा 8th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते 9 नंबर के क्वेश्चन पे। यदि Q जीरो कॉमा एक बिंदुओं P -5, -3 और आर एक्स को माइनस से संदुरस्त है, से संदुरस्त है, तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरियां क्या करनी है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि यदि दो बिंदुओं, यदि क्यू जीरो कॉमा एक, क्यू के निर्देशांक क्या है, 0, 1, बिंदुओं पी और आर से संदुरस्त है। ठीक है, दो बिंदु है हमारे पास, एक पी है, एक आर है। ठीक, इनके निर्देशांक क्या है, पी के 5, 3, आर क्या है, x, 6। क्या कह रहे हैं, बिंदु Q इन दो बिंदुओं से संदुरस्त है, मतलब समान दूरी पे है। कौन सा बिंदु, Q, जिसके निर्देशांक क्या है, 0, 1, इन दो बिंदुओं से संदुरस्त, मतलब समान दूरी पर स्थित है। P और Q और Q और R की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, P Q और Q R क्या है मेरा, बराबर है। यहां से मेरा क्या है, PQ बराबर क्या है मेरा, QR। यहां से मेरा PQ बराबर क्या है, QR। ठीक है, PQ बराबर क्या है, QR है। मैं क्या करूंगा, पहले PQ के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर QR के बीच की दूरी निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं PQ के बीच की दूरी निकालूं, बिंदु P और Q के बीच की दूरी, वही मेरा फॉर्मूला लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से मेरे, इसके लिए मेरे x2 - x1 क्या होंगे, p x1 y1 x2 y2। ठीक है, यहां से मुझे ये मान मिल जाएंगे। अब मैं यहां मान रखू x2 0 - x2 - x1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, प्लस y2 क्या है मेरा, 1 - y1 - 3 है y1। ठीक है, तो मेरा ये क्या आ जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 था मेरा 1, y1 था मेरा -3, और एक माइनस था ये सूत्र का। ठीक है, यहां पे 2 माइनस इसलिए आए, इसको हल करूं तो मेरा क्या आएगा, 0 - 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 0 - 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस यहां पे क्या है, 1 - -3, 1 - -3 मतलब 1 + 3, 1 - - प्लस
एक प्लस तीन चार, और चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, चार का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस माइनस तीन है, माइनस माइनस होता है प्लस, एक और तीन जोड़ के चार हो गया, चार का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, इसका मान आ गया रूट, ठीक है, रूट 41 आ गया इसका मान मेरा, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्या आ गया, रूट 41। अगर मैं यहां से क्या निकालू, क्यू आर, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, वही एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है। यहां से मैं वही सूत्र लगाऊंगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू क्या है मेरे यहां, एक्स टू है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है सिक्स माइनस वाई वन एक का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो क्यू आर बराबर क्या आ रहा है मेरा, एक्स माइनस जीरो एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस एक का स्क्वायर, सिक्स माइनस एक मतलब क्या होता है फाइव, फाइव का स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया मेरा, ये और ये दो बिंदु मेरे बन गए पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्या है मेरा क्यू आर था, पी क्यू बराबर क्यू आर, ठीक है। अगर मेरा पी क्यू बराबर क्यू आर है, मैं दोनों के मान रखता हूँ, पी क्यू क्या है रूट 41 बराबर क्यू आर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं वर्ग कर दूं, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, अगर मैं दोनों वर्ग वर्ग करता हूं तो मेरे यहां से क्या आता है वर्गमूल कैंसिल हो गया वर्ग करने पर, ठीक है, वर्गमूल क्या हो गया मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा वर्गमूल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बराबर, यहां से वर्गमूल कैंसिल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अगर मैं यहां से एक्स का मान निकालू, ठीक है, अगर मैं यहां से एक्स का मान निकालू तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं यहां से एक्स का मान निकालू तो बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 41 था जो इसके पीछे 25 है, इसको आगे भेज दूंगा, इसका पक्षांतर करूंगा, एक्स 25 प्लस में है यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अगर मैं इसको हल करता हूं तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरा क्या आता है, सोलह, एक्स स्क्वायर बराबर 16। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर रूट का पक्षांतर होता सॉरी स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो क्या आता है रूट, रूट सोल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर मेरा आ रहा है चार आ गया, एक्स बराबर क्या आ गया चार आ गया, मुझे एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मिल गई, एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे क्या ज्ञात करना है आप, मुझे ज्ञात करने दो बिंदु और, ठीक है, मुझे आप ज्ञात करने दो बिंदु, वो दो बिंदु क्या है, मुझे ये जो दो बिंदु ज्ञात करने, अब मेरा क्यू आर और पी आर ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है क्यू आर और पी आर, मुझे एक्स मिल गया, एक्स का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, मुझे क्यू आर और पी आर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं इधर सॉल्व, एक्स बराबर मुझे मिल गया, मेरा पी क्या था, पी क्यू आर, एक्स की जगह क्या है अब चार है, ठीक है, कॉमा छ, ठीक है, ये प्लस माइनस चार भी आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस चार भी है होता है यहाँ पे, प्लस माइनस चार होगा, इन चार भी ले सकते हो, ठीक है, आपको वैल्यू जैसे दी हुई यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे, हमें क्या निकालना है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर में दूरी का सूत्र लगाओ, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से क्यू आर का मान निकालू, क्यू आर, क्यू आर निकालना, q ये है r ये है, x1 y1 x2 y2 रख लो मान, यहां रूट x1 y1
एक्स टू वाई टू, ठीक है, यहां से मान रखता हूं, मैं एक्स टू का मान रखता हूं 4 माइनस एक्स वन का मान रखता हूं 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू क्या है 6 माइनस वाई वन 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां पे करूं 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16 एंड 6 माइनस से 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो मेरा यहां पे उत्तर कितना आ रहा है इसका √41, ठीक है √41। क्यू क्यू आर बराबर क्या आ गया मेरा √41 आ गया, ठीक है, क्यू आर बराबर क्या आ गया मेरा √41 आ गया। और मुझे क्या निकालना है, क्यू आर मेरा निकाल गया, मुझे निकालना है पी आर, ठीक है। अगर मैं यहां से पी आर निकालूं, पी आर निकालूंगा वही सूत्र लेगा √x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है। अब मुझे क्या लेने एक्स वन वाई वन इसे ले लूंगा, एक्स टू वाई टू इसे ले लूंगा, पी और आर के मान निकालने, पी आर का मान निकालना है एक्स टू यहां पे है 4 माइनस एक्स वन 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 वाई टू 6 माइनस वाई वन 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, अगर मैं यहां से एक्स टू माइनस एक्स वन का इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा यहां पे मेरा, ठीक है, यहां से होगा मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन, अगर मैं यहां पे सॉल्व, ठीक है, मेरे यहां से तो एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया मेरा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई टू, वाई टू क्या है मेरा 6 माइनस वाई वन क्या है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से मैंने प्लस माइनस में दो वैल्यू रख सकता हूँ, यहाँ पे एक प्लस रख सकता हूँ एक माइनस, मैंने प्लस रख के देखा है अभी, ठीक है, तो पी आर बराबर मुझे यहां से क्या मिल जाएगा 4 माइनस 5 एक, एक का वर्ग क्या होता है 1 प्लस 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस 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 प्लस हो गया 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और 9 का वर्ग क्या होता है 81, ठीक है। तो मेरे पास यहां से आंसर क्या आ रहा है √82, ठीक है, पी आर बराबर क्या आ रहा है √82। मुझे पी आर की एक वैल्यू और मिल सकती है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिया प्लस माइनस दो लेना है, मैंने बोला आपसे कि प्लस और माइनस दो ले सकते हैं इसको, ठीक है, एक्स का मान प्लस माइनस में आया था तो प्लस माइनस में हम दो में मान लेते, एक बार प्लस में रख दिया मैंने, एक बार मैं माइनस में रख के अगर देखूं तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू क्या है मेरा 4, अब मैं यहां पे माइनस 4 लूंगा, ठीक है, माइनस वाई वन 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या 6 माइनस वाई वन माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4, 4 और 5 जोड़ के 9 होगा तो 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस 6 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81। तो मेरे यहां से आंसर क्या आ रहा है, मेरे से √81 प्लस 81 प्लस 81 आ रहा है, ठीक है। मैं यहां से इसको जोड़ू तो मेरा कितना आएगा, यहां से आंसर इसका मेरा आ जाएगा यहां पे √162, ठीक है। पी आर का मान क्या आ रहा है मेरा, पी आर की दो वैल्यूज आ रही मेरी √162 और √82, ठीक है, पी आर के दो मान आ रहे हैं मेरा, क्यू आर भी निकल गया, पी आर भी निकल गया एंड मेरा एक्स का मान भी निकल गया प्लस माइनस 4, ठीक है। इतना ही मुझे यहाँ पे मान निकालना था, क्यू आर पी आर और एक्स का मान मुझे यहाँ पे निकालना था, ठीक है। अब देखते हैं हम यहां से थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी ये नाइन्थ क्वेश्चन था, टेंथ क्वेश्चन है इसका, ठीक है, आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है, बट किताब का क्या है आपका ये अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नावली 7.1 का ये अंतिम क्वेश्चन है आज आपका, ठीक है, प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी 7.1,
इसका आज अंतिम क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन है दसवां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं तीन कोमा छह और माइनस तीन कोमा चार से समदूरस्थ हो। ठीक है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन दस, एक्स कॉमा वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु तीन कोमा छह और माइनस तीन कोमा चार से क्या हो, समान दूरी पर हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, एक्स और कॉमा वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं, ठीक है, कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं किससे, तीन कोमा छह और माइनस तीन कोमा चार से क्या हो, समदूरस्थ या समान दूरी पर हो। ये दो बिंदु दिए हमें, हमने माना ये दो बिंदु पी क्यू मान लिए, पी और क्यू मान लिया, ए भी मान लिया, कुछ भी मान लिए, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक क्या हो गए, इसके निर्देशांक तीन कोमा छह, इसके निर्देशांक माइनस तीन कोमा चार। हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु एक्स और कोमा वाई, एक्स कोमा वाई क्या हो, बिंदु हो तीन कोमा छह और माइनस तीन कोमा चार से समदूरस्थ। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेंगे, ठीक है, पी आर लो इसको, क्यू लो, ठीक है, ये कोई बिंदु क्यू है, तो इसके निर्देशांक क्या है हमारे, एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई से क्या हो, ये समान दूरी पर हो। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्यू आर, ये पी क्यू क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मेरा पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, मैं पी क्यू को, अगर पी क्यू को हल करूं, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा, दोनों के बीच में दूरी का सूत्र लगाऊंगा मैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको यहां से सॉल्व करूं तो मेरा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मेरा एक्स वन वाई वन, ये मेरा एक्स टू वाई टू बन जाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे एक्स वन वाई वन बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एक्स वन वाई वन, ये मेरा बन जाएगा एक्स टू वाई टू। ठीक है, मुझे यहां से सूत्र में मान देखना, एक्स टू क्या है मेरा, एक्स टू है मेरा एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन तीन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ गया मेरा इतना। अब मेरे को अगर पहले मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में क्यू आर निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है तीन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स इंटू बी, सॉरी माइनस, हाँ माइनस है, तो माइनस टू a b। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
नाइन माइनस टू गुणा थ्री इंटू एक्स, दो तीन छ एक्स माइनस छ एक्स, ठीक है। ये मेरा हल करके इतना सॉल्व करके मेरा यहां पे इसको ये आ रहा है, एंड प्लस में इसको करूं सॉल्व आप, ठीक है, एक साथ भी सॉल्व करो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ का स्क्वायर माइनस टू ए क्या है वाई, बी क्या है सिक्स, ठीक है। अगर यहां से इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस टू वाई सिक्स, ठीक है, छह दुनी 12 वाई, ठीक है। यहां से मैंने मान निकाला, यहां से इसका मान इतना आ गया, ठीक है। अब मैं जो यहां से ऐड होता है इसको ऐड कर लेता हूं, ठीक है। ऐड क्या हो रहा है मेरा, 36 और 39 सेम है, ठीक है, तो इनका ऐड कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 में 39 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा 45 माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, ठीक है। ये था मेरा पी क्यू, ये था मेरा पी क्यू, ठीक है। यहां से मुझे पी क्यू मिल गया, एंड अब मैं मुझे चाहिए यहां से क्यू आर, ठीक है। अगर मैं क्यू आर निकालूं तो क्यू आर क्या आएगा मेरा, क्यू आर के लिए मैं जैसे यहां पे मैंने वैल्यू रखी वैसे क्यू आर के लिए मैं यहां पे रखूंगा। इसको मैं अब एक्स वन वाई वन ले लूं, इसको एक्स टू वाई टू ले लूं, तो मेरा इसके लिए भी दूरी का सूत्र लगेगा, बिंदु क्यू आर बराबर क्या हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या मेरा माइनस तीन माइनस एक्स वन क्या है मेरा एक्स, ठीक है, एक्स वन क्या है मेरा एक्स, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू क्या है मेरा फोर माइनस वाई वन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आएगा थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर प्लस वाई का, फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां से सॉल्व करूं तो मेरा क्या आएगा, यहां पे आप वही ए प्लस, इसको एक्स प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस एक्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। अगर जोड़ के आप लिख रहे हो तो एक्स प्लस थ्री भी हो जाएगा, यहाँ पे थ्री प्लस एक्स या एक्स प्लस थ्री एक ही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। इसको एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसको वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर कर दो, फोर माइनस वाई या वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं आप प्लस टू ए बी कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी तीन का स्क्वायर प्लस दो गुणा ए क्या है एक्स गुणा बी क्या है तीन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चार का स्क्वायर माइनस दो गुणा वाई गुणा चार, ठीक है। आप अगर इसको यहां पे आप सॉल्व करेंगे रूट में तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर नौ प्लस दो गुणा एक्स दो एक्स दो तीन छ एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर का वर्ग सोल माइनस दो चार दुनी आठ, चार दुनी आठ वाई, ठीक है, चार दुनी आठ वाई, ठीक है। यहां पे आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो मेरे जो जोड़ने वाले हैं जुड़ जाएंगे, नाइन और सोलह ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, सोलह नौ पच्चीस दोनों को ऐड कर दिया, सोलह नौ पच्चीस प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई, ये यहां ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या है मेरी, मैं इसको इक्वेशन वन मान लू, इसको इक्वेशन टू मान लू,
अगर मैं सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मेरे को क्या दिया, पी क्यू बराबर क्यू आर दिया है, ठीक है, इक्वेशन मानने की जरूरत ही नहीं, जे पी क्यू बराबर अगर क्यू आर दिया है, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या दिया मुझे, क्यू आर, ठीक है। अगर मुझे कह रखा है कि संदूरस्त हो, तो मेरा यहाँ पे क्या था, पी क्यू बराबर क्या था, क्यू आर था, ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा, पी क्यू बराबर क्यू आर, ये मेरा क्यू आर आया है, ठीक है, पी क्यू बराबर क्यू आर मुझे दिया है, मेरा पी क्यू की वैल्यू क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ये मेरी क्या है, पी क्यू की वैल्यू है, बराबर क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये मेरा क्या है, क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अब मैंने दोनों समीकरण यहां पे लिख दी, ठीक है, अगर मैं इनका दोनों साइड वर्ग करूं, दोनों और वर्ग करने पर, अगर मैं दोनों और वर्ग करूं क्या होगा, मेरा रूट हट जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, रूट हट गया, ज्यादा ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है, बराबर यहां पे क्या होगा, सॉरी रूट हट जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये बच जाएगा, ठीक है। अब जो सेम सेम पद है एक साथ ले आओ आप, ठीक है, पक्षांतर करो सेम सेम पद को, एक्स स्क्वायर यहाँ के एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45, इसके साथ क्या है 25, यहाँ के क्या होगा माइनस 25 माइनस 6x, यहाँ के क्या होगा, ये माइनस था, ये भी माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ के ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12y, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 8y, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करूं, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, मेरा क्या बचा, 45 में से 25 गया, 20 माइनस 6x माइनस 6 माइनस 12x, और यहाँ क्या बच रहा है मेरा, माइनस 12y प्लस 8y, क्या हो जाएगा, माइनस 8 4 4y, ठीक है, इतना मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इतना मुझे यहाँ पे सॉल्व करके इतना मेरा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, 20 माइनस 12x माइनस 4y, ठीक है। अगर मैं इसमें देखो, एक चीज कॉमन है इसमें, क्या है, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4, ये 4 कॉमन है, मैं 4 से सबको कैंसिल कर दूं, ठीक है, 4 5 20 माइनस 4 3 12 माइनस 4 1 4, तो मेरा क्या आ गया, 5 माइनस 3x माइनस वाई। अगर मैं इसको समीकरण को सही करके आप लिखूं, तो मेरा क्या आएगा, माइनस, ठीक है, 3x प्लस वाई प्लस, अगर इसको इधर भेजू तो इक्वल टू में आ जाएगा ये, ठीक है, इसको इधर भेजू इक्वल टू में आ जाएगा, तो मेरी ये एक अभिष्ट संबंध यहां पे आ जाएगा मेरा, 3x प्लस 5y, 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, माइनस यहां से आप अगर 4 से मैंने क्या किया, यहां पे सब कैंसिल कर देखो, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, 4 3 12, 4 1 4, अगर मैं इसकी समीकरण बनाता हूँ बराबर के इधर ला रहा हूँ, तो ठीक है, माइनस 3x प्लस 3x हो गया, माइनस वाई वाई हो गया, एंड ये यहाँ पे जाके 5 हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे मेरे क्या आगे अभिष्ट संबंध, यहाँ पे मेरे क्या हो गए आगे ये, ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस था, माइनस हटाने के लिए क्या किया यहाँ पे, अगर माइनस से ही भाग दिया मैंने, क्या किया माइनस कैसे हटा, ठीक है, तो माइनस 4 से भाग दे दिया सब में, ठीक है, माइनस 4 से भाग दिया, तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है, माइनस प्लस 4 से अगर मैंने दोनों पक्षों में यहाँ पे क्या था इसको पक्षांत, यहाँ पे ये
इतना समझ आया आपके, ठीक है। इतना समझ आने के बाद यहाँ पे क्या था कि बीस एक्स, अगर मैं यहाँ पे इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 20 माइनस 6 6 12 एक्स, इसको सॉल्व करोगे क्या क्या आएगा, माइनस 4 वाई, ठीक है। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका पक्षांतर कर लूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, माइनस 12 एक्स माइनस 4 वाई बराबर माइनस 20, मैंने 20 को इधर भेजा माइनस 20, ठीक है। तो ये क्या था, अब मैं अगर इससे सबको माइनस 4 से कैंसिल कर दूं, माइनस 4 से, ठीक है, यहां पे अगर नीचे नहीं आ रहा होगा, माइनस 4 से अगर मैं दोनों पक्ष में भाग दे दूं, माइनस 4 से दोनों पक्षों में भाग करूं तो मेरा क्या होगा, देखो माइनस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 तियान 12, फिर 4 से माइनस 4 से कैंसिल करूं, 4 एकम 4 प्लस वाई, माइनस से इसको कैंसिल करूं, 4 पंच 20, ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर 20, यही मेरा अभिष्ट संबंध आएगा, ठीक है, सॉरी 20 नहीं, 4 पंच 20, 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 आएगा, क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे दिया 4 तीन 12, 4 एकम 4 1, 4 पंच 20, यही मेरा अभिष्ट संबंध है, लास्ट आंसर यही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अभिष्ट संबंध हमारा क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा, मुझे क्या लाना है, प्लस में लाना है, तो मैंने क्या किया, माइनस 4 से यहाँ पे भाग दे दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये लेसन आपका निर्देशांक ज्यामिति 7.1 आज कंप्लीट हुआ, एंड इसके बाद क्या है, 7.1 आएगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, एंड पूरी वीडियो जरूरी देखें, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आगे सॉल्व करा दिए गए, ओके, थैंक यू।